नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज है चौथा दिन भोपाल में, 2 मार्च है आज, और आज हम जाने वाले हैं भोपाल से इंदौर। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और इस जर्नी को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। तो नमस्ते दोस्तों, एक और नया दिन, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल के एक और नए वीडियो पे। और आज है मेरा यहाँ पे चौथा दिन, और आज हम लोग जा रहे हैं भोपाल छोड़ के। फाइनली वो टाइम आ गया जब भोपाल को हमको अलविदा कहना पड़ेगा, और अभी प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, और वहाँ से हम लोग लेंगे एक बस लेंगे और डायरेक्ट इंदौर जाएंगे। काफ़ी लेट हो चुका है पहले से, 1:18 हो रहे हैं अभी टाइम, और वहाँ पहुँचते पहुँचते 4-5 बज जाएंगे। मतलब ब्लॉग में क्या ही दिखाऊँ, टाइम इतना स्पेशल होता ही नहीं। सुबह उठे, फिर चाय पीने चले गए, और अभी तुरंत तैयार हो गए, अब जा रहे हैं बस लेने। सो एक्चुअल में अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस की, जो हमें ISBT ड्रॉप कर सके, और यहाँ पे बस आ गई है। तो चलते हैं, बस में बैठते हैं और चलते हैं ISBT। लोकेशन क्या है? ISBT। और अब यहाँ से इंदौर जाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? बस। अब हम लोग टिकट लेंगे किस चीज़ की? चार्टर्ड बस। फिर वो चार्टर्ड बस हम लोग कहाँ तक पहुँचाएगी? इंदौर। सो आप लोग यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं, टिकट प्राइस जो है यहाँ पे बोर्ड पर चिपका हुआ है। और अब ये जो वैन आई है, ये हम लोग को ड्रॉप करेगी लाल घाटी तक, क्योंकि यहाँ पर ISBT पर आपको बस नहीं मिलेगी। ये वैन आपको लाल घाटी तक ले जाएगी, और वहाँ से मिलेगी आपको अपनी चार्टर्ड बस। सो वी रीच टू अवर डेस्टिनेशन, यही है लाल घाटी, और यहाँ से हम लोग को चार्टर्ड बस मिल गई है अपनी, और यही है मेरी चार्टर्ड बस। तो अंदर घुसने के पहले मैं कुछ खरीद लेता हूँ खाने पीने के लिए, क्योंकि रास्ते में भूख लगने वाली है। सो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद ली, जैसे कि एक स्प्राइट, एक लेस और एक केक, हाँ एक पेस्ट्री। और यहाँ से मैं बैठ गया हूँ अपने सीट पर, और आज बस में ज़्यादा भीड़ है नहीं, बस काफ़ी अच्छी है, और चलते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी ब्रेक हो गया है यहाँ पे, मतलब स्टॉपेज पर रुकी हुई है, ब्रेक है थोड़ी देर के लिए। वॉशरूम
वॉशरूम वॉशरूम जाने के लिए थोड़ा ब्रेक है यहाँ पर, देख सकते हैं टॉयलेट चलते हैं, टॉयलेट चलते हैं। सो अब यहाँ पे ब्रेक ख़त्म हो गया है और हम अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करते हैं इंदौर के लिए। तो जैसे जैसे मैं इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी में एंटर कर रहा था, वैसे ही मुझे बहुत साफ़ सुथरी जगह दिखना चालू हो गई और बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिखना चालू हो गई थी। और अब फाइनली मुझे लगने लगा था कि मैं एक बहुत ही बड़ी सिटी के अंदर एंटर कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं इंदौर में आ गया हूँ और यहाँ मुझे पिक करने के लिए मेरे भैया लोग आ चुके हैं और मैं इन लोगों के साथ इनके रूम पर जा रहा हूँ और अब आगे की बात थोड़ी देर बात करते हैं। तो रात में हम लोग गए थे सराफा मार्केट, जो यहाँ की बहुत ही फेमस प्लेस है और इसका फुल वीडियो मैं चैनल पर डाल दूँगा शॉर्ट वीडियो के तौर पर। और यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई मुझे रात को भी देखने को मिली और उसके बाद हम लोग ऑटो से वापस रूम पर आ गए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।